हूँ प्रीति एंड वेलकम बैक टू मदर स्क्वेड। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आई ऑल्सो होप कि जैसा मैं अपने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि हमारा एक ब्लॉगिंग चैनल भी है और जिस पर हम कॉमेडी शॉर्ट्स और वीडियो डालते हैं वो भी आपने चेकआउट कर लिया होगा और आपको मजा आया होगा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिलीवरी के टाइम पर आपको क्या नहीं करना है, डिलीवरी के टाइम पर या लेबर के टाइम पर आपको क्या करना है। इस पर काफ़ी लोग आपको बातें करेंगे, काफ़ी लोग सब कुछ बताएंगे, बट डिलीवरी के टाइम पर हमें क्या अवॉइड करना है या फिर क्या नहीं करना है इस पर कोई बात नहीं करना। सो हियर आई एम फॉर यू, मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो डेफिनेटली आपको लेबर के टाइम पर काफी हेल्प करने वाले हैं। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और हमारे ब्लॉगिंग चैनल को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बात करते हैं कि जब आप लेबर में हैं, जब आप लेबर में होते हैं तो काफी सारी हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में, काफी सारी फीलिंग्स आप फील कर रहे होते हैं, काफी सारी सिचुएशन पेन मतलब मिक्स फीलिंग होती है जिससे आप गुजर रहे होते हैं। उस टाइम पर कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें तो आप एक स्मूथ लेबर की तरफ जा सकते हैं, आपकी डिलीवरी काफ़ी स्मूथ हो सकती है। और वो चीज़ें क्या हैं, सबसे पहला टिप जो मुझे काफ़ी काम आया था, डोंट वेस्ट योर एनर्जी। डोंट वेस्ट योर एनर्जी का मतलब क्या है, यहाँ पर जब आप अर्ली लेबर में हैं, जब आपका पेन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ है उस टाइम पर अपनी एनर्जी को बचा के रखिए। डोंट पैनिक, आप पैनिक बिल्कुल मत करिए और ऐसा भी मत करिए कि आप एकदम जैसे बोलते हैं लोग कि उस टाइम वॉक करते रहो, वॉक आप करते रहिए बट बिल्कुल पैनिक मत करिए और बिल्कुल डरिए मत, अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करिए किसी भी चीज़ में, बचा के रखिए। बिकॉज जैसे जैसे लेबर प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, इसलिए अपनी एनर्जी को आप बचा के रखिए। आप कर क्या सकते हैं, आराम से बैठिए, अपनी पसंदीदा कोई भी मूवी देखिए अगर आप मूवी देखने के शौकीन हैं, गाने सुनिए। आप जब अर्ली लेबर में हैं तो हेल्दी फूड खाइए, जो ऐसा फूड खाइए जो भी आपको बहुत पसंद है, तो आप आराम से रिलैक्स करके चिल करिए। जब आपका लेबर धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है मतलब आपको उतना पेन फील नहीं हो रहा है, आप इस सिचुएशन में है कि आप इंजॉय कर सकते हैं, आपको फील तो हो रहा है बट उतना पेन फील नहीं हो रहा है, तो अर्ली लेबर में अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। दूसरा टिप यहाँ पर आता है, डोंट वॉच दी क्लॉक, मतलब आपको घड़ी को बार बार नहीं देखना है। लेबर के टाइम पर, डिलीवरी के टाइम पर हमें अपने कॉन्ट्रेक्शंस को मॉनिटर करना होता है, बट कब मॉनिटर करना होता है, जब हमारे कॉन्ट्रेक्शंस काफ़ी अच्छे से हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो उनके बीच का जो टाइम इंटरवल होता है वो हमें मॉनिटर करना होता है। बट जब आप अर्ली लेबर में हैं, जब आपका लेबर अभी स्टार्ट ही हुआ है, मे बी आपको ब्लीडिंग थोड़ी बहुत हुई है, कॉन्ट्रेक्शंस अभी बहुत थोड़ा थोड़ा पेन आपको स्टार्ट हुआ है, उस टाइम पर आप बार बार घड़ी को मत देखिए। रीजन भी मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ कि आप बार बार घड़ी को मत देखिए, जितना आप उस पर फोकस करेंगे कि आई एम इन टू द लेबर, आई एम मुझे कॉन्ट्रेक्शंस हो रहे हैं, मुझे पेन हो रहा है, उतना ही आपको ज्यादा फील होगा। तो साइकोलॉजिकली भी आप पेन को किल कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अर्ली लेबर में आप घड़ी को बार बार मत देखें। डेफिनेटली आई अश्योर यू कि जब आपका लेबर बढ़ता है, जब आपके कॉन्ट्रेक्शंस एक टाइम पैटर्न बना लेते हैं कि अब कॉन्ट्रेक्शन आया फिर चला गया, उस टाइम पर आपको खुद ही फील होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब डॉक्टर के ऑब्वियसली आप होंगे तो डॉक्टर भी मॉनिटर कर रहे होते हैं, प्लस जब लेबर प्रोग्रेस कर चुका है उस टाइम पर आप कॉन्ट्रेक्शंस को मॉनिटर कर सकते हैं। अगला टिप आता है, डोंट होल्ड योर ब्रेथ। जब हमें पेन होता है, नॉर्मली भी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब हमें पेन होता है तो हम कई बार सांस रोक के उस पेन की फीलिंग को कम करने की कोशिश करते हैं, बट जब आप लेबर में हैं इस गलती को प्लीज बिल्कुल मत करिएगा, बिकॉज लेबर में ये काफी रिस्की हो सकता है। लेबर के टाइम पर आपको अपनी पेन की इंटेंसिटी को कम फील करने के लिए या पेन को कम फील करने के लिए अपनी ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है, अपनी सांस को रोकना नहीं है, तो इसका आप प्लीज़ अच्छे से ध्यान रखिए। ऑल्दो आपकी डॉक्टर या आपकी नर्स आपको एडवाइस करती रहेगी, बट लेबर के टाइम पर क्या होता है, कई बार हम अनकॉन्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है तो हमें नहीं पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, बट आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आप अपनी ब्रेथ को होल्ड ना करें। अगला टिप है, डोंट बी सेल्फ कॉन्शियस। लेबर के टाइम पर मे बी जैसा आपने अज्यूम किया था वैसा आपका लेबर नहीं जा रहा है, आई मीन इन अ गुड वे कि मान लीजिए जैसे मैं अपनी बात करूँ तो आई शाउट अलॉट ड्यूरिंग माई लेबर, बट मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था, बट दैट इज परफेक्टली फाइन। यू आर ऑलरेडी पेन, आपको इतना पेन हो रहा है तो जो भी हो रहा है वहां पर उसको आप होने दीजिए। आप बिल्कुल भी सेल्फ कॉन्शियस मत होइए कि अगर मैंने पेन को ज्यादा दिखाया तो डॉक्टर क्या सोचेगा, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, या फिर कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स हैं वहां पर, मेल डॉक्टर्स भी होते हैं, तो जो भी प्रोसेस होता है उसके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल रहिए, बिकॉज ऑलरेडी आप एक ऐसी प्रोसेस में है जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उस टाइम पर अगर आप सेल्फ कॉन्शियसनेस दिखाएंगे या आप थोड़ा सा नर्वस हो जाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा फील नहीं हो सकता है। इसीलिए लेबर के टाइम पर अपने आप को जितना हो सके सेल्फ कॉन्फिडेंट रखिए, कूल रखिए, किसी भी चीज़ से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी डॉक्टर प्रोसेस कर रही है, जो भी वहाँ प्रोग्रेस हो रही है, टेक इट ईजी और उसमें एकदम कंफर्टेबल होकर आप रहिए तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा।
अगला और सबसे लास्ट टिप है, डोंट स्ट्रेस आउट योरसेल्फ। बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है लेबर। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जो लेबर को प्रोड्यूस करता है, एंड दैट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हमारी बॉडी में लेबर को प्रोड्यूस करता है। ऑक्सीटोसिन जितना ज्यादा रिलीज होगा उतना ज्यादा लेबर प्रोग्रेस करेगा। और वो हार्मोन कब रिलीज होता है, जब हम हैप्पी होते हैं, जब हम काफी अच्छा अच्छा फील कर रहे होते हैं, लव फील कर रहे होते हैं। तो जब आप स्ट्रेस लेंगे तो स्ट्रेस की वजह से ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन थोड़ा कम हो सकता है, जो कि आपके लेबर को डिले कर सकता है, जो कि आपकी लेबर की प्रोग्रेस को थोड़ा डिले कर सकता है। सो फॉर दिस एफर्ट साइड, जस्ट डू नॉट स्ट्रेस आउट योरसेल्फ, कंफर्टेबल रहिए। आई नो ये बोलने में काफी इजी है कि लेबर के टाइम पर आप स्ट्रेस मत लीजिए, बट यू कैन ट्राई साइकोलॉजिकली। मैं अगेन बोलूंगी साइकोलॉजिकली आप काफी चीजों को किल कर सकते हैं, तो यू कैन ट्राई फॉर दैट। सो ये कुछ टिप्स थे जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी कि डिलीवरी के टाइम पर, अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है, आप लेबर में जाने वाले हैं, तो उस टाइम पर आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं।